हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम टू अमृतसर गाइस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोल्डन टेम्पल का टूर कराने जा रहा हूँ। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल में आया हूँ। इससे आगे मैंने आपको दो वीडियो बनाया था, एक पार्ट वन में अमृतसर का नाइट व्यू को दिखाया था और पार्ट टू बनाया था जिसमें अमृतसर का गोल्डन टेम्पल के अंदर लंगर की मैंने दिखाया था, जहां पर आपको लंगर का टूर कराया था। आज मैं पार्ट थ्री लेके आया हूं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको गोल्डन टेम्पल के बारे में पूरा जानकारी दूं। देखता हूं मैं कितना सफल होता हूं। गोल्डन टेम्पल एक होली प्लेस है जहाँ 1 लाख से ज़्यादा भक्तजन और रोज़ दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। साल के 12 महीने खुला रहता है, आप जब भी आ सकते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। मॉर्निंग 3 AM टू 10 PM तक आप जब भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट मंथ अक्टूबर टू मार्च महीना अच्छा मौसम रहता है। अमृतसर पूरा घूमने के लिए आपको 2 दिन का समय लग जाता है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा गोल्डन टेम्पल, जालियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस या टैक्सी से आ सकते हैं आप। आप अपना प्राइवेट कार या बाइक से भी आ सकते हैं आप। दोस्तों, मैं यहाँ देख रहा हूँ चारों तरफ बहुत भीड़ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आना चाहते हो तो अक्टूबर टू मार्च के महीने में आइए यहाँ पर, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। यहाँ देखो गाइस, जब भी बहुत भीड़ होता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा पीपल्स आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको हाथ पैर धो के जाना होता है। हर जगह आपको हाथ पैर धोने की जगह मिल जाएगी, पानी पीने की व्यवस्था है, आप भूख लगेगी तो लंगर भी खा सकते हो। ये देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो यही अंदर का नज़ारा जो दिख रहा है गोल्डन टेम्पल। ये गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी है, और इस पानी में आप मछली भी देख सकते हैं। देखिए गाइस, कितना भीड़ है यहाँ, हर समय भीड़ रहता है क्योंकि यहाँ पर 12 महीने खुला रहता है, इसलिए भी भीड़ रहता है। यहाँ पर मैंने सुना है कि दर्शन करने के लिए मिनिमम भी 2-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। देखता हूँ मैं कितना टाइम लगेगा मुझे। यहाँ पर एक मानना है कि आप इस पानी में नहाते हो तो आपका पाप धुल जाता है, इसलिए यहाँ पर पानी में स्नान करते हैं। और लेडीज़ के लिए भी यहाँ पर स्नान करने की जगह सेपरेट रूम बनाई गई है। यहाँ का मानना है कि आप यहाँ पर नहाते हो तो आपका जितना भी पाप है धुल जाता है। आप देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, मिनिमम 1-2 घंटे तो लग जाते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। अब यहाँ से आप लाइन लगा के प्रसाद ले सकते हो, उसके बाद दर्शन के लिए जा सकते हो। अभी मैं लाइन में हूँ, देखता हूँ मुझे कितना टाइम लगेगा यहाँ पर अंदर जाने के लिए। आप देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन है, ये पूरा लाइन है आपके आंखों से जितना दिख रहा है। दोस्तों, मैंने दर्शन करके आ गया, मुझे पूरा 4 घंटे लग गए हैं दर्शन करने के लिए।